हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। तो आज मैं मेरा जो शाम का खाने का नाश्ता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं आज रोटी और समाई बनाऊंगी खुद के हाथों से। तो आप लोग देख के बताना कि मुझे कुकिंग करना आता है कि नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुकिंग वुकिंग करना आता नहीं है। और मैं सो रही थी, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और आपको तो पता ही है कि हमारे जो शाम में बहुत जल्दी शाम हो जाता है। और अभी तो नवंबर का महीना चल रहा है तो बहुत जल्दी जल्दी ना शाम हो जाता है 4:30 बजे के आसपास। तो अभी 5:30 बज रहे, तो हाँ 5:30 बज रहे, मैं अभी वॉच देख के बता रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ, मैं क्या क्या कुकिंग करती हूँ आप देखते रहे। तो आप देख रहे हो, मैं रोटी के लिए आटा ले चुकी हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया मैंने और पानी मिला के इसका डो बनाऊंगी। आप सोच रहे हो कि मेरा फेस क्यों नहीं दिख रहा है, तो मैं बता देती हूँ आपको कि मेरे घर ना बहुत छोटा है तो इसमें ज़्यादा जगह नहीं है। तो फ़ोन मैंने काफ़ी ज़्यादा सामने रखा था और पीछे इतना स्पेस भी नहीं है, और आप देख सकते हो मेरे पीछे बेड है, तो इसीलिए आपको फेस नहीं दिख रहा है। और अगर फेस दिखाती तो आपको आटा नहीं दिखता, तो इसीलिए आपको दिक्कत होगी थोड़ा सा फेस दिखने में, तो इसके लिए मैं सॉरी हूँ। तो मैंने डो बना लिया है रोटी के लिए। मैं ज़्यादा अच्छा कुक नहीं करती हूँ, मतलब काम चल जाता है, खाने लायक थोड़ा बहुत हो जाता है। तो डो हो चुका है, आप देख रहे हो। तो शाम का नाश्ता खाने के बाद ना मैं रात को डिनर ही नहीं किया, पता है, क्योंकि मेरा पेट पूरा भर गया था। अगर मैं दो रोटी खा लेती हूँ ना तो मेरा पेट भर जाता है। तो आप सोच रहे होगी कि अगर दो रोटी खाते तो इतना मोटी क्यों है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं करी हूँ कुछ दिन से, एक महीना हो गया एक्सरसाइज मैंने बंद कर दी, इसलिए मैं मोटी लग रही हूँ आपको। और काफ़ी ज़्यादा घी वगैरह भी मैं खा लेती हूँ ना, इसीलिए अगर मैं थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल कर लूँ ना तो मैं थोड़ा सा स्लिम हो सकती हूँ, लेकिन क्या करें, लालच लालच बुरी वाला है। तो मैं घी वगैरह खा लेती हूँ, ऑयल वगैरह ज़्यादा खा लेती हूँ ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा मोटी दिख रही हूँ आपको। तो रोटी मैंने गोल गोल करके इसको बना लिया है, देख लीजिए मैंने 5 रोटी बनाई है, घर में सभी खाएंगे। तो कढ़ाई मैंने बिठा दिया है, आप देख रहे हो कि कढ़ाई काला हो गया। एक्चुअली मैं दोपहर में खाना बना रही थी ना सब्ज़ी, तो जल गया था कढ़ाई, तो उसको मैंने धो लिया अच्छे से, लेकिन ये काला काला जो लगा ये छुटा नहीं है, तो इसीलिए काला काला दिख रहा है। तो मैं घी से अभी रोटी बनाऊंगी, जैसे कि आपको पता है मैं घी ज़्यादा खाती हूँ ऑयल वगैरह। तो अगर कढ़ाई में आपको काला काला दिख रहा है ना तो प्लीज़ सॉरी, इसको इग्नोर करें, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की इसको उठाने के लिए लेकिन ये काला उठा नहीं है, फिर कोशिश करेंगे कल। तो रोटी एक बन चुका है, तैयार हो चुका है, अभी इसमें घी लगाएंगे। और आज घी लगाने के बाद फिर सभी मिलके ही खाएंगे शाम को, क्योंकि जल्दी दोपहर को खाना खा लेते ना तो भूख लग जाता है और जल्दी अंधेरा भी हो जाता है ठंड के मौसम में, तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगी ऑयल कम खाने के लिए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाऊंगी। आप देख सकते हो सवाई के लिए मैंने दूध बिठा दिया है गैस पे, तो सवाई को मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं घी दे दूंगी ताकि इसमें थोड़ा सा अलग सा टेस्ट आ जाए। तो फ्राई हो चुका है, अब मैं सवाई को दूध में छोड़ रही हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं स्वाद अनुसार शक्कर दे रही हूँ, थोड़ा सा नहीं मतलब जितना मीठा होना चाहिए नहीं दे रही हूँ। तो हो गया अभी सवाई, अभी इसे बंद कर रही हूँ। और मेरा सवाई भी तैयार हो चुका है, रोटी भी तैयार हो चुका है, तो मैं इसको फटाफट से खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे और एक वीडियो भी बनाना है। तो आप देख सकते हो मैंने बना लिया है, घर का सभी खा रहे हैं और मम्मी बना रहे हैं चाय, क्योंकि मुझे चाय बनाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मम्मी चाय बना रहे हैं। और मैं चाय पीता भी नहीं हूँ, बहुत कम, महीने दो महीने में या हफ्ते में एक बार कभी मन किया तो टेस्टी बना, मुझे खा के अच्छा लगा, बहुत टेस्टी बना था। लेकिन रोटी थोड़ा सा हार्ड हो गया था, नरम नहीं बना। और मम्मी ने मेरे को कटोरी में चाय दिया, आप सोच रहे हो कि कटोरी में क्यों पी रही हूँ, अच्छे से नहीं दिख रहा है ना आपको चाय, रुकिए मैं दिखाती हूँ, ये देख लीजिए। तो फिर कटोरी में इसलिए खाती हूँ क्योंकि मैं रोज़ चाय नहीं पीती, इसलिए मम्मी ने मेरे को कप नहीं दिया, तो सामने कटोरी थे तो मैंने बोला कटोरी में ही दे दो, इसीलिए मैं कटोरी में पी रही हूँ।
और मैं ज़्यादा नहीं पिया, थोड़ा सा एक दो प्याला पी के फिर मम्मी को दे दिया, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है चाय। तो गाइस मेरा खाना हो चुका है कंप्लीट। तो अभी मैं यूट्यूब के लिए, मेरा जो मोटिवेशन चैनल है पूजा SH मोटिवेशन, तो उसके लिए मैं अभी वीडियो बनाने जा रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है वो चैनल के बारे में, तो अबाउट में जाके लिंक मैंने दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। उसमें मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ, तो वो वीडियो के लिए अभी तैयार होना है और वीडियो भी शूट करना है। पूरा दिन इतना मेहनत करती हूँ, पूरा थक जाती हूँ, घर का काम, ऊपर से वीडियो बनाना, एडिटिंग करना। तो प्लीज़ आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है यार। सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता है, फ्री है सब्सक्राइब। और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे मज़ेदार व्लॉग आप लोगों के लिए हमेशा लाती रहती हूँ। तो आप देख सकते हो मैं वीडियो के लिए तैयार हो चुकी हूँ। तो वीडियो बनाने के बाद एडिटिंग भी करना है, बहुत सारा काम है। और अभी रात के 7 बज रहे, तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो आशा करती हूँ व्लॉग आपको अच्छी लगी होगी। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।